भारत एक ऐसा देश है जहां हर तरह के देवी देवताओं को पूरी आस्था और सम्मान के साथ पूजा जाता है। तो वहीं हर देवताओं में सबसे पहले साथ ही शुभ मुहूर्त पर पूजे जाने वाले भगवान गणेश जी हैं, जिन्हें सुख समृद्धि और बुद्धि में सबसे खास माना जाता है। अगर गणेश जी के जन्म की बात करें तो जब माता पार्वती के शरीर में मैल लगा हुआ था, तब उन्होंने अपने शरीर से उस मैल को निकाल दिया और उससे एक बालक की आकृति बनाई, साथ ही उसमें जान भी डाली। फिर उन्होंने उस बालक को कहा कि जब तक वे स्नान कर रही हैं, वो वहीं पहरा दे और किसी को अंदर ना आने दे। पर जब शिव जी वापस लौटे तो उस बालक ने उन्हें पहचाना नहीं और उनका रास्ता रोक लिया। तब भगवान शिव ने उस बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया और अंदर चले गए। इसे देख पार्वती बहुत हैरान रह गई और उन्होंने शिव जी को समझाया कि वो बालक तो उनका ही पुत्र था, और उन्होंने भगवान शिव से विनती करी कि वो किसी भी कीमत पर उसके प्राण बचाएं। तब भगवान शिव ने अपने सहायकों को आज्ञा दी कि वो जाएं और कहीं से भी कोई ऐसा मस्तक लेकर आए जो उत्तर दिशा की ओर मुंह करके सो रहा हो। तब शिव जी के सहायक एक हाथी का सिर लेकर आए, जिसे शिव जी ने उस बालक के धड़ से जोड़ दिया और कुछ इस तरह भगवान गणेश जी का जन्म हुआ और इसके साथ इन्होंने अपना जीवन दोबारा पाया। तब से इस दिन को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। कहा जाता है भगवान गणेश जी का मस्तक करने से पहले उनका नाम विनायक था, पर जब उनका मस्तक काटा गया और फिर उस पर हाथी का मस्तक लगाया गया तो सभी उन्हें गजानन कहने लगे। इसी के साथ फिर जब उन्हें गणों का प्रमुख बनाया गया तो उन्हें गणपति और गणेश नाम से भी पुकारने लगे। गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र का बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। यहाँ भगवान गणेश को लोग खूब मानते हैं। साथ ही गणेश चतुर्थी के दौरान सुबह और शाम गणेश जी की आरती की जाती है और उन्हें लड्डू मोदक का प्रसाद चढ़ाया जाता है। ये बुद्धि और समृद्धि के भगवान हैं, इसीलिए इन दोनों को पाने के लिए लोग इनकी पूजा करते हैं। अगर इस दिन की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि पहली बार चंद्रमा के द्वारा गणेश का व्रत रखा गया था, क्योंकि अपने दुर्व्यवहार के लिए गणेश द्वारा वो शापित थे। गणेश की पूजा करने के बाद ही चंद्रमा को ज्ञान और सुंदरता का आशीर्वाद मिला था। भगवान गणेश हिंदुओं के सबसे बड़े भगवान हैं, जो अपने भक्तों को बुद्धि, समृद्धि और संपत्ति का आशीर्वाद देते हैं। गणेश चतुर्थी में भक्तगण भगवान गणेश को अपने घर ले आते हैं और पूरी आस्था से मूर्ति को स्थापित करते हैं। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि जब गणेश जी घर पर आते हैं तो ढेर सारी सुख, समृद्धि, बुद्धि और खुशी ले आते हैं। उनकी स्थापना के लिए लोगों का समूह गणेश जी की पूजा करने के लिए पंडाल तैयार करते हैं, जिसके बाद श्रद्धालु उनके दर्शन करने आते हैं। साथ ही भक्तगण भगवान गणेश को बहुत सारी चीज़ें चढ़ाते हैं, जिसमें मोदक उनका सबसे पसंदीदा है। ये उत्सव 10 दिनों के लिए मनाया जाता है। आपको बता दें, गणेश चतुर्थी पूजा दो प्रक्रियाओं को शामिल करती है, जिसमें पहला मूर्ति स्थापना और दूसरा मूर्ति विसर्जन होता है। 10 दिनों की पूजा के दौरान कपूर, लाल चंदन, लाल फूल, नारियल, गुड़, मोदक और दुराव घास चढ़ाने की प्रथा है। पूजा की समाप्ति के समय गणेश विसर्जन में लोगों की भारी भीड़ अपने गणेश जी को खुशी खुशी विदा करती है और उन्हें अगले साल जन्म आने के लिए कहती है। तो ये थी गणेश चतुर्थी को लेकर हमारी खास रिपोर्ट। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई होगी और हम वादा करते हैं कि आगे भी हम ऐसे ही रिपोर्ट्स के साथ आपके बीच लाते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए JJN News। धन्यवाद।